कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही अपसेट फील कर रही थी, बट गुड मॉर्निंग पब्लिक, आई एम जैसन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैं उठी हूँ इस बेबी की वॉइस से, ये फंस चुका था इस नेट में। हाय रे मिस्टर चिंटू एंड हमारा वचुकला खेलो। परशु लियो गया है वॉक पे अकेले अकेले अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जेरी। ओह स्नो वाइट, सब रुक गए दूध पीने के लिए। तो आज का डे हम स्टार्ट करेंगे विद नीम जूस। लेट्स हैव सम हेल्दी स्टार्ट। नीम के फ्रेश लीव्स तोड़ने जाने वाली हूँ मैं अभी। ओ बुबू, उनको देखो। हाय बुबू, माघड़ बिल्ला बन गया है। अच्छी खासी बारिश होने वाली है, इससे पहले मैं नीम की पत्तियाँ तोड़ लाऊं फटाफट। सबको आना है, काम है। अच्छा गई आगे, बारिश स्टार्ट हो गई। सो रहा नीम का पेड़। ऐसे पत्तियों को देखकर डाउट क्यों आ रहा है कि ये नीम के ही पत्तियां हैं। सो ले ली। हेलो, न्यू वन इन द फ्रेम। हाय चार्ली, लियो, हेलो, हियर इज जेरी। लियोस फ्रेंड्स आर हियर। लेट मी शो यू समथिंग अजीब। ये बड़े हो गए फिर भी मम्मी का दूध पीना है इनको, ये बच्चे को पीने ही नहीं देते। यस लियो, बेड पे अड्डा जमा लिया है मेरे। विल प्रिपेयर नीम का जूस। नीम जूस हो रहा है रेडी। मीनवाइल मैं ऑयल पुलिंग कर लेती हूँ, काफ़ी मंथ से मैं कर रही हूँ, अराउंड आई थिंक सो 6 मंथ्स हो गए। आई डू दिस डेली। चलो परशु नहीं पीना। फैट सो हो गया दूध पी पी के। नीम जूस इज रेडी। वॉमिट कर दूंगी मैं।
अब हमको करना है लियो की ड्रेसिंग। लियो को हो गया है मैगॉट इन्फेक्शन टेल में। लियो कल हम ऑलरेडी वेट विजिट करके आए, चलो ड्रेसिंग कर लेते हैं फटाफट। डॉगी ओ पूछी बगर पूछी बगर हम चाहिए। ये लगा लो ग्राफ। गाइस कल शाम को मैं गई थी फोटोशूट पे एंड बहुत ज़्यादा घाय हो रखी थी। सो घाय घाय में बाइक की चाबी कल शाम से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही थी। एंड कहाँ से मिली मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस कपड़ों के बैग के अंदर से ऐसे थी हिडन। एंड ये बैग मैंने पैक करके रखा था कपट के अंदर एंड मैं पूरा घर ढूंढ रही हूँ बाइक की चाबी कल शाम से अब भी मिली है। टाइम इज 10:30 AM। चलो कल मैं फोटोशूट पे गई थी सो आपको मैं फोटोज दिखा दी हूँ। वेट I've been lying to myself, no I need to get some help, hoping you could save me baby. Put our pictures on the shelf, swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up. Tented and तो मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि मुझे अब शूट करना है रील्स, फैशन रील्स, आउटफिट फ्रॉम मिंत्रा। सेटअप मैंने रेडी कर दिया है। लियो इज स्लीपिंग। माई कर्टन, माई रिंग लाइट एंड कैमरा यही है जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। चलो काम पे लग जाते हैं। डन विद द शूट, रील शूट कर लिया है मैंने। 1, 2 एंड ये हमारा स्टैंड। पसीने से बेहाल, ऊपर पतरा है, पंखा भी चालू नहीं कर सकते। ओके तो अब मैं करने वाली हूँ चेंज। ओके सो दिस वॉज माई आउटफिट, कुर्ती फ्रॉम मिंत्रास एंड ऑफ सीजन सेल। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई जस्ट चेंज बैक टू माई कम्फर्ट जोन। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन टी। मिस्टर मिगी तो एक रोटी बची है। हाय मिगी। Leo's friends. And here is my green tea. गाइस कल मुझे जाना है सेलवासा मेरी फ्रेंड के घर पे एंड वहाँ पे हम बनाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। थोड़ी बहुत सर्दी हो चुकी है मुझे।
गाइस आई वांट टू टेल यू समथिंग कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा अपसेट फील कर रही थी, बट नाउ आई एम फाइन. क्योंकि कैसा होता है कि व्हाट पीपल थिंक कि आप व्लॉगर हो, मतलब आप ऑल टाइम ना फ्री ही रहते हो, बहुत घूमते हो, बहुत एंजॉय करते हो, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. बारिश में कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कभी कभी सारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं. मैं अभी मुंबई गई थी, मुझे घूमना था माथेरान, लोनावाला, यहाँ वहाँ, बट सब कुछ कैंसिल हो गया ऑल ऑफ अ सडन. सो अ बिग लॉस फॉर मी, एंड जिससे मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई. आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आपको टारगेट्स मिलते हैं, आपका बॉस ऊपर होता है, मैनेजर होता है, कि भाई ठीक है उनको देख के चल ठीक है ये काम पूरा करना है तो करना है, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब आपके ऊपर कोई ना हो एंड यू आर दी ओनली होल एंड सोल. कि भाई चलो आज मूड ही नहीं कर रहा है, या फिर मतलब मोटिवेशन लाए तो भी कहाँ से लाए, कैसे लाए, ऐसे भी दिन आ जाते हैं. सो इट्स अ स्ट्रगल ड्यूरिंग दोज पीरियड ऑफ टाइम. तो ज़्यादा अपसेट भी हो जाती हूँ. देन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर मोटिवेशन. सबसे पहले तो मैं खुद का ही इंस्टा अकाउंट स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देती हूँ, सेल्फ मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग. मिल जाता है बहुत बार, बट ना एवरी टाइम वो सेम वर्क नहीं करता. देन अगर मैं फिर बाहर घूम लेती हूँ, या फिर मेरी फ्रेंड के साथ कोलैब करना इज़ अ ग्रेट आइडिया. ऐसे एनर्जी फील होता है मुझे अंदर से कि चलो भाई यस जाना है, अपन को वीडियो करना है, मेरी ग्रीन टी भी ठंडी हो जाएगी. एंड टिल नाउ मेरे लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन जो रहा है, एंड आई थिंक सो कि वापस से मुझे उसकी ही ज़रूरत है, दैट इज़ जिम. मैं आई थिंक सो लॉकडाउन जब 1 खुला था उसके बाद से मैंने 1 ईयर तक जिम किया. डेली आई वॉज हाईली मोटिवेटेड, मतलब मैं ना ही थकती थी ना ही रुकती थी, एकदम जस्ट वाव एनर्जेटिक, लाइक सब कुछ ऊपर हो जाता है. एवरीथिंग वॉज बूस्टेड, माई एनर्जी, माई कॉन्फिडेंस, माई विल पावर, एवरीथिंग, एवरी पैरामीटर. एंड ऐसा नहीं होता था कि भाई ठीक है रोज़ हम एक ही चीज़ से क्या मोटिवेशन ले रहे हैं, नथिंग, ऐसा कभी नहीं होता. आई मिस माई जिम सो मच, बट अब मेरे गाँव में कोई जिम नहीं है. इट्स जस्ट 25 किलोमीटर, सो आने जाने में 50 किलोमीटर्स निकल जाते हैं. मुंबई में मैं जाती थी, यहाँ पर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. एंड मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत हो रही है यहाँ पे, सो आफ्टर 15 डेज मुंबई, फिर वापस यहाँ, अप एंड डाउन चालू है. एंड मेरे रेस्क्यू केसेस अभी तो कोई नहीं है, सब ठीक हो चुके हैं, बस लियो है, लियो की ट्रीटमेंट और 7 डेज चलने वाली है ड्रेसिंग एंड उसका मेडिकेशन. अब मुझे करनी है पैकिंग एंड मुझे जाना है सिटी में. लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे शादी के, बट वो बारिश में सूखे नहीं, सो दे आर लाइक कि नहीं मैडम आप कल आना, कपड़े सूख ही नहीं रहे बारिश में. कल सुबह मैं निकल रही हूँ फॉर सेल्वासा, सो ग्रीन टी खत्म करके थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके आफ्टर 1 आवर आई विल बी लीविंग फॉर सिटी टू बाय सम एसेंशियल्स एंड लॉन्ड्री के कपड़े. ये देखो जेरी लियो एंड ऑरेंज, 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 एंड ऑरेंज. ओके गाइस, सो ऑन दिस नोट आई विल टेक अ लीव हियर. मैं आप सबसे मिलती हूँ कल, आप और मैं मिलके बनाने वाले हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस सेल्वासा जाकर. Till then, stay fit, stay healthy. Bye.